सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ बहुत ही शानदार सीरीज 5 मिनट इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, 5 मिनट केवल रोजाना 5 मिनट आप पे अंग्रेजी को दें, निश्चित रूप से आप कुछ ही दिनों में बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई आपकी समस्या हो, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज का जो हमारा वर्ड है, हम एक शब्द लेते हैं सीरीज में और उसको बहुत अच्छे ढंग से सीखने समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा शब्द है वो है कैरी आउट। लिखने में भी बहुत काम आता है, बोलने में भी बहुत काम आता है। कैरी आउट का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, परफॉर्म अ टास्क, किसी काम को पूरा करना, किसी काम को परफॉर्म करना। कंडक्ट, इसके लिए शब्द दूसरा काम आता है, या परफॉर्म शब्द इसके लिए काम आता है, अंजाम देना। आप दिन में कितनी बार इस शब्द को काम में ले सकते हैं, और जिस शब्द को जितनी ज्यादा बार काम में लेंगे, आपका वो शब्द उतना ही आपका अपना बनता चला जाता है। हम देखते हैं इसको, देखिएगा ये सेंटेंस हमने लिया कहां से, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडिंग थी बहुत शानदार, मुझे लगा कि यही समझाना चाहिए। क्या हेडिंग थी देखिएगा, कैरी आउट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन कोरोना वायरस एचसी टेल्स हाई कोर्ट टेल्स सेंटर। हाई कोर्ट ने सेंटर को, केंद्र सरकार को कहा कि कैरी आउट करें, किसको अंजाम दें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, किस पे, कोरोना वायरस पे सर्जिकल स्ट्राइक करें, कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास करें। ये कैरी आउट मतलब था। हम और बहुत सारे शब्द देखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे। कैरी आउट वर्क, किसी भी काम को करना। यू विल हैव टू गेट अ बिल्डर, आपको एक बिल्डर लेना पड़ेगा, आपको एक बिल्डर ढूंढना पड़ेगा, टू कैरी आउट द वर्क, इस काम को करवाने के लिए। यू विल हैव टू गेट अ बिल्डर, आपको एक बिल्डर चाहिए, टू कैरी आउट द वर्क, इस काम को अंजाम देने के लिए, इस काम को करने के लिए। और देखिए कैरी आउट का मतलब क्या क्या होता है, कैरी आउट योर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, उनको अंजाम देना। सी कैरीड आउट हर ड्यूटीज विद इफिशियंटली, सॉरी वेरी इफिशियंटली। सी कैरीड आउट हर ड्यूटीज, उसने अपनी ड्यूटीज को किया, अपनी ड्यूटीज को अंजाम दिया, वेरी इफिशियंटली, बहुत कुशलता के साथ। कैरी आउट अ टास्क और जॉब, ही वॉज अनेबल टू कैरी आउट सिंपल टास्क, वो ये साधारण काम भी नहीं कर पाया। आपको कैरी आउट शब्द को बार बार यूज करना है, अलग अलग संदर्भ में यूज करना है। कहां कहां यूज कर सकते हो, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता रहा हूं। कैरी आउट रिसर्च, आई वॉज इन इटली, मैं इटली में था, कैरिंग आउट रिसर्च, रिसर्च कर रहा था फॉर माई बुक, अपनी बुक के लिए, मेरी बुक के लिए। कैरी आउट अ सर्वे, द कमेटी हैज कैरीड आउट अ सर्वे ऑफ पार्किंग प्रॉब्लम्स, इस कमेटी ने पार्किंग प्रॉब्लम्स के बारे में एक सर्वे किया है। द कमेटी हैज कैरीड आउट अ सर्वे। कैरी आउट ए चेक, चेक वगैरह करना होता है। मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स का मतलब होता है जो निर्माता होते हैं। कैरी आउट सेफ्टी चेक्स, वो सेफ्टी चेक करते हैं ऑन ऑल न्यू कार्स, जितनी भी नई कार बनती हैं पहले उनका क्या होता है, सेफ्टी चेक होता है। कैरी आउट ए टेस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आर नाउ कैरिंग आउट डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। तो कैरी आउट शब्द कितना शानदार शब्द है, आप दिन में इसको जरूर यूज करें, 2-4-5 बार जरूर यूज करें इसको। कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करना, मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इस सीरीज के साथ। यदि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगती हो 5 मिनट्स इंग्लिश वाली, तो इसको आप शेयर कीजिएगा।
नए नए लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। हम बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। मैनी स्कूल्स नीड बेटर फैसिलिटीज, बहुत सारे स्कूल को बेटर फैसिलिटी चाहिए फॉर कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए उनको और ज्यादा फैसिलिटीज की जरूरत है। कैरी आउट रिव्यू, द गवर्नमेंट इज कैरिंग आउट रिव्यू ऑफ स्टेट पेंशन प्रोविजन, रिव्यू समीक्षा कर रही है किसकी, स्टेट पेंशन प्रोविजन की, ये जो पॉलिसी है इसकी समीक्षा कर रही है। कैरी आउट स्टडी, सी हैज कैरीड आउट वेरियस स्टडीज इनटू वायलेंट बिहेवियर, हिंसक जो व्यवहार है उसके संबंध में उसने बहुत स्टडीज की हैं। कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, द पुलिस बोलेंगे इसको, विल कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो हुआ है उसके बारे में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैरी आउट इंक्वायरी, अ फॉर्मल इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ, मौत के कारण पे विल बी कैरीड आउट। कैरी आउट एन असेसमेंट, द कंपनी इज कैरिंग आउट असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, उसको परखना। द कंपनी इज कैरिंग आउट एन असेसमेंट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग नीड्स, स्टाफ को ट्रेनिंग की कितनी नीड है इसका असेसमेंट कर रही है कंपनी। कैरी आउट रिसर्च, ये हम देख चुके हैं। कैरी आउट एन अटैक, इट बिकेम क्लियर दैट टेररिस्ट, ये क्लियर हो गए हैं टेररिस्ट हैड कैरीड आउट द अटैक, टेररिस्ट ने अटैक किया था। इस प्रकार से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।